नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। कालाधन मामले में 60 अवैध खाता धारकों पर होगी कार्रवाई, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा। सरकार ने HSBC बैंक की जिनेवा शाखा की सूची में उल्लेखित कालाधन के खातों पर कार्रवाई के तहत 60 भारतीयों और कंपनियों के खिलाफ कर अपवंजन से जुड़े मुकदमे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इनके नामों का भी खुलासा किया जा सकता है। जेटली ने कहा कि सरकार के पास पहले से ही यह नाम थे, लेकिन इनके खातों की जाँच की जा रही थी, जो अब पूरी हो चुकी है। 628 में से 350 खाते धारकों की जाँच हो चुकी है। देश में तेजी से फैल रहा है स्वाइन फ्लू। देश में अब तक सैकड़ों लोग स्वाइन फ्लू की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं। दिल्ली में स्वाइन फ्लू ने रविवार को एक और जान ले ली, जबकि गुजरात में 117 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में अब तक स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या 6 हो गई है, जबकि 907 केस सामने आ चुके हैं। गुजरात में शनिवार को स्वाइन फ्लू से 5 और लोगों की मौत होने के बाद राज्य में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 71 हो गई है, जबकि 117 नए मामले सामने आए हैं। 1 जनवरी से अब तक स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव पाए गए मामलों की कुल संख्या 627 हो गई है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना समेत अन्य राज्यों में भी स्वाइन फ्लू के मामले सामने आए हैं। हारे या जीते जिम्मेदारी लूंगी, किरण बेदी ने कहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में भाजपा की हार दिखाए जाने के बीच पार्टी के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी ने कहा है कि चाहे हार हो या जीत, वह पार्टी के प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेंगी। बेदी की टिप्पणियों को भाजपा के चुनाव में संभावित हार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। यह टिप्पणी तब आई है जब केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता निर्मला सीतारमण ने पूर्व IPS अधिकारी बेदी से दक्षिण दिल्ली में उदयपार स्थित उनके आवास पर मुलाकात की और उनके साथ करीब 1 घंटे का समय बिताया। यूपी रोडवेज की चलती बस में महिला के साथ गैंगरेप। उत्तर प्रदेश रोडवेज की एक चलती हुई बस में एक शादीशुदा महिला के साथ चालक और कंडक्टर ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया है। यह घटना दिल्ली के बाहरी इलाके दादरी की है। पुलिस ने बताया कि महिला कन्नौज से दादरी के लिए बस में रवाना हुई, लेकिन उसे अपने गंतव्य का ध्यान नहीं रहा और वह रविवार रात दिल्ली पहुंच गई। महिला की शिकायत के मुताबिक चालक और कंडक्टर ने उसे दादरी छोड़ने का प्रस्ताव दिया था और बाद में उसके साथ बलात्कार किया।